नहीं चलोगे नहीं तांत्रिक के पास खोलो, हम दो मिनट रुक रहे हैं, हमारा बंदा यहां पे खड़ा है आ रहा है। तांत्रिक के पास चलेंगे, एक मिनट हमें पेशाब करने दो, खोलो लॉक खोल दो। रास्ते में करेंगे, रास्ते में नहीं करेंगे, यही करना है। क्या नाम है आपका? प्रमोद सर। प्रमोद, बेल्ट लगा लो। ये तो ऐसे नहीं लगेगी। प्रमोद भाई जी सर, मैं थोड़ा यार परेशान चल रहा हूँ, मुझे चाहिए आपकी थोड़ी मदद। जी कर दोगे? क्या काम? समझ नहीं आ रहा किस तरीके से आपको बताऊं मैं। बोलिए सर। प्रमोद भाई जी सर, मेरी ना बुआ की लड़की है, 10 साल से ना काफी परेशान चल रहे हैं हम लोग उसकी तबीयत को लेके। तो होता है ये, हम हॉस्पिटल में भी एडमिट करते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो कुछ निकलता नहीं है। समझ नहीं आता दिमाग का क्या है, क्या हालत है। रिपोर्ट एकदम ठीक आती है, अभी भी हमने एडमिट कराया था, लेकिन वो की लड़की पता नहीं कहती है मेरे को नहीं रहना है, नहीं रुकना, उसको परेशानी होती है तो वो भाग जाती है वहाँ से। आपसे एक बात पूछूं, आप ये भूत प्रेत पे विश्वास रखते हो? अब सर भूत प्रेत पे तो भाई जो है करे, भाई करे। देखो आपसे जो साफ बात है वो बोलना चाहता हूँ, मैंने बड़ी कोशिश की, ठीक है, मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा। ऐसा सर लगा लीजिए, कहाँ पे चल गए? नहीं मैं वापस ले रहा हूँ, घुमाऊँगा, इधर ही जाना है वापस पीछे। तो फिर मेरे दिमाग में किसी ने कुछ बातें बताई तो मुझे समझ आने लगी कि ऐसा कुछ भी होता है, ऊपरी बातें जैसे कुछ बोलते हैं, या कोई प्रेत चिमट जाना। मुझे नहीं विश्वास था, लेकिन कुछ चीज़ें हमने देखी अजीब लगी, जैसे कि सब कुछ वो जो हुआ की लड़की है बिना देखे बता देती है। अब उसे पता नहीं कैसे पता चल जाती हैं चीज़ें, तो फिर धीरे धीरे हमें भी लगने लगा कि ऐसा कुछ है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं तांत्रिक को दिखाऊं, मैंने बात भी की, लेकिन जिस भी मैं कोशिश करता हूं उसके मन में वो बातें पहले से ही आ जाती है, पता नहीं कैसे, और मुझे धमकी देना है, तेरे को ज़मीन में गाड़ दूंगी, अजीब अलग आवाज़ों में। आगे से ले ले तो। आगे सर, आगे तो हाईवे आ गया। आगे नहीं है? नहीं नहीं आगे यू टर्न नहीं है सर, यही है। चलो यहाँ से घुमा ले। तो भाई मुझे ना ऐसा चाहिए कोई मेरे साथ, बारिश हो गई, मतलब जिस पर मैं विश्वास कर सकूँ और जो मेरे साथ हिम्मत करके हम उसको ले जा सकें, समझ रहे हो आप? तो क्या ख्याल है आपका? क्यों? हाँ सर। क्यों? अरे बारिश हो रही है, गीला हो गया, खराब हो जाएगा। यही तो ऐसे साइड में लगा दीजिए। चलते चलते बात ही तो कर रहे हैं, घुमा लेता हूँ ना मैं। हाँ तो घुमा लीजिए। यहाँ से घूमेगी? मैं कह तो रहा था सर कि बंद है, आप आगे से फिर घूम लें। अरे आगे से सब गाड़ी आ रही। यहाँ से? हाँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये सब होता होगा, दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? मतलब मैंने जब उस तांत्रिक से बात की तो उसने मुझे एक विश्वास दिया कि ये सब होता है, और हम दो बारी आप लाओगे तो हम बात भी करवाएंगे, जो हाजिरी कराएंगे, और आपके सामने आपको विश्वास होगा, देखोगे और हम ठीक भी कर देंगे। तो कभी कभार हुआ ऐसा उसके आवाज़ आना कि मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा घर है, मतलब मेरे को लगा कि ये हमारे घर की बात कर रही है, फिर बाद में समझ आया शरीर की बात कर रही है, मतलब शरीर उसका घर है। तो मैं चाहता था कि अभी हम वहाँ तांत्रिक के पास जाएं, और मैं इसको साथ में भी लेके आया हूँ। ठीक है मेरी बुआ, देखो भैया बुआ की लड़की, इसको भी बांध रखा है।
ठीक है सर, जो है यहाँ पे साइड में लगा लीजिए, एक मिनट काम है फिर चलते हैं। नहीं अभी इसको लेके जाएंगे ना, मैं बड़ी मुश्किल से भाईजान इसको लेके आया हम लेके, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप साइड में लगा लीजिए। आप घबरा तो नहीं रहे हो? नहीं हम घबरा नहीं, मैं घबरा रहा हूँ क्योंकि इसलिए मैं आपका साथ चाहता हूँ। ये लॉक है अभी खुलेगा नहीं। ठीक है सर, यहाँ पे रोक दीजिए एक मिनट। उन्होंने कहा था कि जैसे कुछ करे तो इसको धमकाना कि बैठे रहिए, छोड़ के नहीं जाइए। यहीं पे दो मिनट रोक लीजिए। भैया आप सर खड़ी करिए, नहीं तो मैं सर शांत शांत बुला रहा हूं सर। अरे नहीं फोन मत लगाओ भाई, सर यहीं पर रोक दीजिए, हम तांत्रिक के पास लेके जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा सर। यहीं पर दो मिनट आप रोकिए, नहीं तो अरे नहीं सुनो, आप मेरी मदद नहीं करोगे? करेंगे सर, चलेंगे, लेकिन दो मिनट रोक लीजिए आप, तो फिर हम बैठ रहे हैं। रोक के बात कर लेते हैं, रोक के बात कर लो, उसके बाद तो सर तब हम चलेंगे यहाँ। आप घबरा क्यों रहे हो भाई? घबराएंगे नहीं, यहाँ पे आप रोक रोक लीजिए, यहाँ रोक देता हूँ मैं। हाँ तो उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, आप ले आओ बस पकड़ के ले आओ, कोई साथ हो आपके, ठीक है दो बंदे साथ ले जाओ, यहाँ पे रोक लीजिए। आप घबराओ मत इतना, हम घबरा नहीं रहे, आप दो मिनट रोक लीजिए गाड़ी, आप खड़ी कर रहे हैं नहीं गाड़ी, आप दो मिनट, हाँ दो मिनट शांत हो जा बुड्ढी, दो मिनट गाड़ी खड़ी करिए आप। हाँ भाई बताओ, वो लॉक है, एक मिनट लॉक खोलिए आप, आप छोड़ के चले जाओगे, आपने विश्वास किया था। हम बाथरूम कर रहे हैं, चलेंगे हम, मैं भी चलता हूँ, दोनों बाथरूम कर लेंगे। ठीक है पहले आप बताओ ना, चलेंगे यहाँ पे है एक जगह है दिल्ली में, उस जगह तांत्रिक के पास लेके जाएंगे, अभी चलते हैं। ठीक बहुत परेशान हूँ, एक मिनट रास्ते में कर लेंगे। नहीं यहीं पे सर, रास्ते में मसाला खा रहे हो? हाँ सर, इसलिए तो मुझे वो हो रही, मैं थोड़ा कुल्ला करूंगा, इसमें कुल्ला कर लो। नहीं सर रोकिए आप, सुनिए तो भैया प्लीज, भैया हम चले चलेंगे साथ, बड़ी मुश्किल से, विश्वास करो हम आपके साथ चलेंगे, बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ आपको, समझ रहे हैं हम चलेंगे, मतलब इसको बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ, अब आप चले साथ मत छोड़ो मेरा, हम डर नहीं रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है भैया, हम उतर रहे हैं, आपको कोई मेरे पे पंजा मार दिया था, ये पता नहीं यहाँ पे निशान से पड़ गए हैं, बस आप एक पूरी रात ये पीठ पे निशान अलग कर ले रहे हैं, आपके साथ चलेंगे, आप टेंशन मत लो, मैं डर नहीं रहा हूँ चलने के लिए, लेकिन एक मिनट आप यहाँ, उसने मेरे को दूसरे काम के लिए बुलाया था, देखने था कि तुम घबराते हो तो किसी ऐसे सिम्मत वाले को साथ रखना, और अगर ये तुम्हें कोई हावी हो कुछ हो तो इसको गाली गलौज करोगे ना तो डर नहीं दिखाओगे तो कुछ अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है सर, अभी हमें खुला कर लेने दो, नहीं तो मुझे पलटी सही आ रही है, उल्टी आ रही है। हाँ उसके बाद गुटका मैं खाया था ना, बाथरूम कर लूँ, मैं साथ चलूंगा, आपको विश्वास दिलाया हूँ साथ चलेंगे, ऐसी बात नहीं, आपके सहयोग करेंगे आपके, हम अरे नहीं मदद करेंगे सर, ऐसी बात नहीं, थोड़ा घबरा तू। ए प्रेत शांत रह, गेट खोलिए आप, लॉक तो खोलिए यार, तुम लॉक खोलिए सीता, नहीं तो मैं, अब मेरा बंदा आ रहा है, तुझे डर लग रहा है, आप चलो भैया चलो, नहीं चलोगे नहीं, तांत्रिक के पास खोलो, हम दो मिनट रुक रहे हैं, हमारा बंदा यहाँ पे खड़ा है आ रहा है, तांत्रिक के पास चलेंगे, एक मिनट हमें पेशाब करने दो, खोलो क्यों लॉक खोल दो, रास्ते में करेंगे, रास्ते में नहीं करेंगे, यही करना है, आपके साथ हम चलेंगे, एक मिनट लॉक तो खोलो आप, जो है ऐसे आप क्यों कर रहे हो हम ऊपर, चक्कर आ रहे भैया, चलो आप लोग तो चलो चलो लोग तो खोलो, तांत्रिक के पास चलते हैं, हम चल रहे हैं पहले, आप लोग खोलो, अच्छा सुनो, मजाक कर रहे, अरे एक्टिंग कर रहे, कैमरा लगा, ये देखो कैमरा लगा, एक्टिंग कर रहे हैं, शूटिंग चल रही है, ये देखो शूटिंग चल रही है, प्रैंक है, कॉमेडी कर रहे हैं, अच्छा तो बैठो, हम चल रहे हैं सर।
ये देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, ये कैमरा लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी ये थोड़ा घबरा रहे हैं, ये मना कर रहे हैं गाड़ी में बैठने को। अच्छा अभी इधर रुको, मैं गाड़ी इधर ले आऊं। सर आप अंदर मत बैठना, आप खिड़की में बात करना, बैठ जाओ, मैं वहीं छोड़ रहा हूँ। ये वहीं पे छोड़ेंगे भैया, ये हमारा, वहीं पे चल रहा हूँ। आप ये आपके लिए, ये पहले पकड़ो, आपके समय के लिए, ये अनजान व्यक्ति के साथ आप भी समझ सकते हो भैया। अगर आपसे कभी जान पहचान होती हमारी, इसी वजह से हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि कोई भी किसी के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ ना बैठ कर जाइए। बस एक सोशल मैसेज हम दे। चलिए आपसे धीरे धीरे जो है, ठीक है।